क्वेश्चन है आपके पास, ए इक्वल टू है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2 है और ये 0 है। आई है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, मीन्स 1001 है। तब आपको शो करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये बात प्रूव करनी है सर आपको। थोड़ा यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स मैट्रिक्स की नहीं है, वो जो प्रॉब्लम है वो ट्रिकोमेट्री की बीमारी है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमारे पास मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, वो हमारे पास ट्रिकोमेट्री प्रॉब्लम दे रही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स का कोई दोष नहीं है, राइट। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो आई प्लस ए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 1, ये आएगा। राइट हैंड साइड देखूं मैं तो आपके पास आएगा आई माइनस ए, आई माइनस ए और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आई माइनस ए होने का मतलब है आप इसमें से इसको माइनस कर दो। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वन आएगा, 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा और ये वन आ जाएगा। चलिएगा, ये आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल तरीके से लिख लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पर जो मेरे पास नंबर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2। इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये आएगा माइनस का साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई 2। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो माइनस का कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, और मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2। इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा साइन 10 अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आएगा। यहां तक मैट्रिक्स की समस्याएं सॉल्व हो गई। उसके आगे जो कुछ मैं कर रहा हूं उसमें मैट्रिक्स का कोई योगदान नहीं है, ठीक है, मैट्रिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसे सॉल्व करके क्या लाना है, 1 लाना है। और आप देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे नंबर्स हैं। ये भी आपके पास कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 है और ये भी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 है, ये दोनों सेम नंबर है। इसको सॉल्व करके मुझे 1 लाना है तो मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ सॉल्यूशन ऑफ ए 11 एंड ए 22, ये दोनों सेम है, ए 11 और ए 22 अलग से सॉल्व करके बता दीजिए, ठीक है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन की जगह नहीं है।
तो आप क्या लिख लें, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा टेन एल्फा बाई टू, ठीक है जी। देखिए साहब, कॉस एल्फा को कॉस एल्फा लिखें, साइन एल्फा को लिख सकते हो टू साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो अब क्या याद कर लो, एक कॉस ए का फॉर्मूला हुआ करता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। ये इलेवेंथ क्लास की ट्रिगोनोमेट्री में था, कॉस सॉरी साइन ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, यहाँ पर एल्फा है तो एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू आ जाएगा। टेन एल्फा बाई टू का फॉर्मूला होता है साइन एल्फा बाई टू अपन कॉस एल्फा बाई टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए का एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू। अभी आप कहो सर ये कहाँ से ला रहे हो, तो कहीं से नहीं ला रहा हूँ, मेरे दिमाग में सॉफ्टवेयर अपलोडेड है फॉर्मूला का, इसलिए वहाँ से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और आप भी अपलोड कर लोगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम तब तक आएगी कि फॉर्मूला अपलोडेड नहीं है तो वो आउटपुट नहीं देगा सॉफ्टवेयर। प्लस टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने पर कितना आ गया, वन आ गया। अब जरा ये देख लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करने पर ये दोनों सेम नंबर है, केवल माइनस का अंतर है। इसको सॉल्व करने पर क्या लाना है, माइनस का टेन एल्फा बाई टू लाना है। तो यहां सॉल्व कर देता हूं, इक्वल टू वन आ गया। अब लिख देता हूं सॉल्यूशन ऑफ माइनस साइन एल्फा प्लस, बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, आप इनको रिफ्रेशर बुक में देखोगे तो पता ही नहीं क्या क्या कर रखा हुआ है। टेन एल्फा बाई टू इतना आ गया, माइनस साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा टेन एल्फा बाई टू लाना है। जरा इधर देख लो क्या लाना है सॉल्व करके, माइनस टेन एल्फा बाई टू। तो बहुत अच्छा रहेगा कि माइनस टेन एल्फा बाई टू कॉमन ही ले लो पहले इसमें से, तो ये हो जाएगा साइन एल्फा अपॉन टेन एल्फा बाई टू और माइनस का कॉस एल्फा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड हो जाएगा टेन एल्फा बाई टू से और यहां पर क्या बचेगा, कॉस एल्फा बचेगा। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का टेन एल्फा बाई टू तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना ये साइन एल्फा को लिखोगे टू साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू, इसको लिखोगे साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू, कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा टू कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू। आप सॉल्व कर लीजिए, इस साइन एल्फा को लिखोगे, जगह नहीं है इस, टू साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू, और टेन को लिखोगे साइन अपॉन कॉस, साइन साइन कट जाएगा, नीचे वाला कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात और बता दूं, यहां पर कॉस एल्फा का एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू माइनस वन। ये क्या था, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू। अब क्या बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं टू कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू माइनस वन, तो माइनस बार है तो प्लस का हो जाएगा वो टू कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने पर कितना आ गया साहब, माइनस टेन एल्फा बाई टू, यही करना था। तो इसके करने के बाद में आप इसकी जगह तो लिख दो वन, इसकी जगह लिख दो माइनस टेन एल्फा बाई टू, इसकी जगह लिख दो प्लस टेन एल्फा बाई टू अगले स्टेप पर, और इसकी जगह क्या लिख दो वन, और लिख दो नीचे हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। 19 क्वेश्चन, आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, एक पार्ट पर आपको 5% और दूसरे पार्ट पर आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल इंटरेस्ट है आपके पास 1800। आपको बताना है कि कितना अमाउंट किस इंटरेस्ट पे देना है आपको। मान लेता हूं एक अमाउंट आपके पास एक्स है, आपका एक अमाउंट एक्स है जो आप
5% में देना चाहते हो, ठीक है, तो दूसरा अमाउंट क्या हो जाएगा, दूसरा अमाउंट हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, इसको लिख लो आप रो में, इसका ऑर्डर हो गया 1/2। अब इंटरेस्ट रेट क्या है, इस पे इंटरेस्ट रेट है 5%, मींस 5/100, और इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है 7%, मींस 7/100, इसको लिख लो आप कॉलम मैट्रिक्स में। यदि आपको इसमें रो लिख लिया ना तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर ध्यान रखना आपको ये रखना पड़ेगा कि किसको रो में और किसको कॉलम में लिखना है, और इसमें मिलने वाला टोटल जो इंटरेस्ट है वो 1800 रुपीज़ है एक केस में। एक बार 1800 लिख लो, फिर दूसरी बार 2000 रुपये लिख लो। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका मतलब इससे हो जाएगा तो 5x/100 प्लस 7/100 इंटू का 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1800। यहाँ से एक्स की वैल्यू तो सॉल्व हो जाएगी ना, हम याद देते जो वैल्यू आएगी दैट इज आंसर, क्लियर है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th, वो ये कह रहा है केमिस्ट्री की बुक है 10 दर्जन, तो ये दर्जन को आप पहले नंबर बदल लो, मतलब कितना हो जाएगा 120 केमिस्ट्री बुक हो जाएंगी। ये क्या फिक्स है, फिक्स कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और इको हो जाएगा 120। इनको इसलिए बदला है क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना वो 1 यूनिट दे रखी है, पर यूनिट दे रखी है। इसकी प्राइस को आप लिख लो इस तरह से 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपीस, ठीक है साहब। टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 आंसर। भाई ये लॉजिक थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, पर किसी को भी आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको रो में लिख लेते और इसको कॉलम में लिख देते तो भी सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं कि पहले लिखा है तो इसको रो में लिख लो, आप लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको बदल भी सकते हैं, इसको रो में लिख लो इसको कॉलम में लिख लो तो भी सॉल्व हो जाएगी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाँ, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा ना, यदि आपने इसको भी रो में लिख दिया और इसको भी रो में लिख दिया तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ऑर्डर ही सेम नहीं, मतलब ऑर्डर उस फॉर्मेट में नहीं आ पाए जहाँ मल्टीप्लाई हो पाए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है कि एक मैट्रिक्स है आपका एक्स, इसका ऑर्डर है 2/n, ठीक है जी। एक वाई मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3×k। एक जेड मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2×p। और एक डब्ल्यू मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n×3। एक पी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है p×k, ठीक है जी। आपसे वो कह रहा है कि p/y और w/y एग्जिस्ट करता है, तो अब आपको बताना है कि n, k, p की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। मानी भाई ये निकल सकता है, ये पॉसिबल है, मतलब इसका आंसर पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि p का y से मल्टीप्लाई हो सकता है,
डब्ल्यू का वाई से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये मैट्रिक्स आने पर और इसको मैट्रिक्स आने पर ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब एग्जिस्ट पॉसिबल है। तब पूछ रहा है कि एन की वैल्यू, के की वैल्यू और पी की वैल्यू क्या होगी, तो लिख लेते हैं इनको। पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर है पी इंटू के, वाई का ऑर्डर क्या है थ्री इंटू के, प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है एन इंटू थ्री, वाई का ऑर्डर क्या है थ्री इंटू के। अब जरा देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो पाएंगे, क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब हुआ कि के जो है थ्री के बराबर होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया कि के थ्री होगा। जब तक के थ्री नहीं होगा तब तक ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, तो एक वैल्यू मिल गई कि के जो है वो क्या होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि ये तो दोनों बराबर हैं, थ्री थ्री हैं, जब यहां पर k बराबर थ्री हो जाएगा तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, p इंटू के का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने ऑर्डर क्या हो जाएगा, p इंटू के है ना, और k कितना है आपके पास थ्री है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा w by का n इंटू के, ठीक है। अब जरा देखिए आपके पास p y का ऑर्डर क्या है, p इंटू थ्री है ये, प्लस w y ये क्या है n इंटू क्या है थ्री है। हां तो ये दोनों ऑर्डर सेम है, अब ऐड कब हो पाएंगे ये, यस, कहने का मतलब है p बराबर क्या होगा n होगा, तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ k बराबर 3 होगा p बराबर n होगा। कोई ऑप्शन है क्या इसमें, हाँ बात समझ आ गई नहीं आ गई, ये मतलब होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट बातें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको इसका दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा, है ना। चलिए साहब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, हाँ रिपीट करूं इसको, यस यस ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैंने इनके ऑर्डर लिखे, पी का ऑर्डर ये था, वाई का ऑर्डर ये था, डब्ल्यू का ऑर्डर ये था और वाई का ऑर्डर ये था, ये क्लियर है यहां तक। अब आप ये बताइए कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, कहने का मतलब है के जो है इसके बराबर हो, तो के बराबर क्या हो गया थ्री हो गया, तो हमारा आंसर क्या पता लग गया कि के की वैल्यू थ्री है, ठीक है ना। जब k की वैल्यू 3 है तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, आंसर का ऑर्डर आएगा p इंटू के, ये आंसर का ऑर्डर होता है हमेशा। अब जरा देखिए ये तो दोनों इक्वल हैं, इसका आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, इसका आंसर का ऑर्डर आएगा n इंटू के, k आपने 3 निकाल लिया है तो k 3 पुट कर दो यहां पर, के यहां पर भी थ्री पुट कर दो। अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड कब होंगे, भाई दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं, जब ऑर्डर सेम होता है, दो मैट्रिक्स ऐड तब होते हैं जब ऑर्डर सेम होता है। जब ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि ये तो दोनों में सेम है, इसका मतलब है पी जो है किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, जब पी एन के बराबर हो जाएगा तो ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज ऐड नहीं होंगे, तो एक आंसर ये होगा कि पी बराबर क्या होगा, के एन होगा या एन बराबर पी होगा और के इक्वल टू थ्री होगा। हमने यहां पर ये देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है,
मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर किस फॉर्मेट में आएगा, यहां पर ऑर्डर किस फॉर्मेट में आएगा, जब दोनों मैट्रिक्स आ चुके हैं तो दोनों मैट्रिक्स ऐड कब होंगे, ऐड तब होंगे जब इनके ऑर्डर बराबर होंगे। देखिए सर, अगला टॉपिक है आपका है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या इसके ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये सारी बातें समझानी है। पहले तो ये समझना है कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या मतलब है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स आप उसकी रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। कहने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स ए आपके पास 1 2 3 है, ए बी सी ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब आप इसका ट्रांसपोज करना चाहते हो, जनरली ट्रांसपोज रिप्रेजेंट बाई ए टी और ए डैश, ठीक है। कई बार ये ए डैश भी लिखता है, एक ही मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, आप ये करें कि इस रो को कॉलम बना दीजिए 1 2 3, इस रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, पहली रो को पहला कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, हो गया ट्रांसपोज ए बी और सी। आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसका ट्रांसपोज बनाना चाहते हो, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम बनाइए 1 2 3, इसको दूसरा बनाइए 4 5 6, इसको तीसरा बनाइए 7 8 9। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी देख लीजिए साहब, क्या हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो साहब ये हो सकती है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, दोबारा यही आ जाएगा। भाई एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दोबारा ट्रांसपोज कर दो, वही आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है साहब, कि आप दो मैट्रिक्सों को ऐड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात एक ही है। दो मैट्रिक्सों को आप ऐड करके ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करके ऐड करिए, बात एक ही है। आप दोनों को सबट्रैक्ट करिए या ट्रांसपोज करके सबट्रैक्ट करिए, बात एक ही है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, आप ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनका ट्रांसपोज जो होता है वो जो है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होता है, अधिकतर आप ऐसा ही कर देते हो। क्या होता है, ये होता है, ध्यान रखिएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर दिस। ये तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी जो इस काम को आपको बताया गया। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, मान लेता हूं आपके पास पी 1 2 3 4, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने सिंपल तरीके से ले लिया और कुछ नहीं है, कोई भी नंबर ले सकता है। इसका ट्रांसपोज करिए 1 2 3 4, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या इनको नाम ए लिखो यार, ए, ये ए ट्रांसपोज, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन है उसमें ए चलेगा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा,
5 or 8. ये मैट्रिक्स आ गया, देखिए ये एक मैट्रिक्स आ गया, इसका नाम अलग से लिख देता हूं, मान लेता हूं लेट ए बराबर है आपका 2, 5, 5 और 8, ये मैट्रिक्स है, या ए नहीं, ये तो थोड़ी इसको पी नाम दे दीजिए, पी है मान लेता हूं, ये पी है, इस पी का ट्रांसपोज करना, इस पी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा 2, 5, 5, 8 ही आएगा, पी ट्रांसपोज बराबर क्या है, पी है, इसका मतलब है पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपसे पूछा जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल सा एग्जांपल है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर कोई चेंज नहीं होगा, दैट मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज देयरफॉर ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, कोई भी मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सिमेट्रिक मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा ये तो एक मैट्रिक्स की वाली बात है, आपसे पूछा जाए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, तो 2x2 की मैट्रिक्स तो आराम से बन सकती है, इन दोनों को बराबर रख लो, यहां पर कुछ भी रख लो, ठीक है मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन 3x3 को बनाने के लिए सोचा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, दिमाग चलाने प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो वो कैसे बनेगी, वो कैसे बनेगी, आप कोई भी मैट्रिक्स 3x3 की ले लो, कोई भी किसी भी तरह की, आपने 3x3 एक मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज निकालो, उन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आएगी ना वो सिमेट्रिक ही आएगी। तो क्या प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ये हो गई कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स आती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है। कहने का मतलब है कि पी इक्वल टू ए प्लस ए टी, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, इसे एल्जेब्रिकली प्रूव कर सकता हूं मैं। अब एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करोगे सर, चलिए करते हैं। इधर देखो, मैंने कहा कि p बराबर a प्लस ए टी है, तो मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा a प्लस ए टी का होल ट्रांसपोज, ये हो जाएगा p ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, p ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस a, इसका मतलब क्या हो गया, p ट्रांसपोज बराबर p, हेंस p इज द सिमेट्रिक। कई बार एक क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आया जाता है कि शो दैट a प्लस a ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक, तो भाई साहब एल्जेब्रिकली प्रूव करिए ना अच्छी तरह से, प्रॉब्लम क्या है। तो समझ में आए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है, दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और आपसे पूछा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए सर कोई, तो आप कोई मैट्रिक्स लो उसका ट्रांसपोज करो, उनको ऐड करिए, जो मैट्रिक्स आएगी उस सिमेट्रिक आएगी। अब इस कहानी को थोड़ा सा यहां पर और आगे बढ़ा देता हूं, एक समस्या और सॉल्व कर देता हूं, कैद आपने इनको ऐड करा तो सिमेट्रिक आ रही है, यदि इसका आप हाफ भी कर दें तो भी तो सिमेट्रिक ही आएगी है, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 5/2, 5/2 और 4,
ए प्लस ए टी सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ ए प्लस ए टी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। अब जरा एक बात और देख लो, आपके पास एक मैट्रिक्स ये था, इसका ट्रांसपोज करके आपने ये करा था, जरा इनको माइनस करना, जीरो आएगा, माइनस वन आएगा, वन आएगा और जीरो आएगा। मान लेता हूं ये क्यू मैट्रिक्स है, जीरो माइनस वन, वन और जीरो, जरा इसका ट्रांसपोज करना, तो जीरो माइनस वन, वन और जीरो, माइनस कॉमन ले लो, तो Q ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जीरो माइनस वन, वन और जीरो, ये हो जाएगा Q ट्रांसपोज बराबर माइनस Q। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और माइनस कॉमन लेने पर बराबर आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या बोलते हैं, हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करिए और माइनस कॉमन ले लीजिए, बराबर आ जाए, मतलब क्यू टी बराबर माइनस क्यू हो जाए, ए टी बराबर माइनस ए हो, बी टी बराबर माइनस बी हो, तो ये मैट्रिक्स क्या मानी जाएंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मानी जाएंगी। अब एक बात और समझ लें, आपसे पूछा जाए कि एक एग्जांपल देना है स्क्यू सिमेट्रिक का, तो टू बाई टू का तो आप दे लोगे, यहां पर कुछ भी नंबर रख लो, एक नेगेटिव रख लो, एक पॉजिटिव रख लो, और इन दोनों को जीरो रख लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है थ्री बाई थ्री का कोई मैट्रिक्स बताना जो स्क्यू है, तो थोड़ा सिर खुजाने में लग जाएंगे दो मिनट के लिए कि कहां से आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा कि कोई भी मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज करो और उनको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो कहने का मतलब है कि ए माइनस ए टी जो आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। आप ये भी कह सकते हो कि हाफ ए माइनस ए टी कितना आएगा, इसका हाफ करेंगे तो जीरो माइनस वन बाई टू, वन बाई टू और जीरो, ये आएगा, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसी के बराबर आए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सर ट्रांसपोज करने पर माइनस कॉमन लेने के बाद बराबर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये कहानी थी। अब दूसरी कहानी ये होती है कि एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करिए दो मैट्रिक्सों में जिनमें एक सिमेट्रिक हो और एक क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि ये मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर, इस मैट्रिक्स के दो टुकड़े करो, एक टुकड़ा सिमेट्रिक होना चाहिए और एक टुकड़ा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। एक मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स बनाइए, एक मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स ऐसे बनाइए कि उनको ऐड करने पर ये मैट्रिक्स आए, लेकिन उनमें एक सिमेट्रिक हो और एक क्या हो, स्क्यू हो, एक सिमेट्रिक हो और एक क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। ये क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे हैं, मैंने कर दिया क्वेश्चन, मैं तो दूसरे तरह से कान पकड़ रहा हूं घुमा के।
ये मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, यदि इस मैट्रिक्स को ए माना जाए तो ये हमेशा ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज करके हाफ करने पर आएगा। ये आ गया देखो एरा, ये पार्ट कौन सा होगा, वन फाइव बाई टू, फाइव बाई टू और फोर। ये कैसे आया था, सिमेट्रिक पार्ट कैसे आया था, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था और ट्रांसपोज करके हाफ करा था तो एक पार्ट आ गया, दैट पार्ट इज द सिमेट्रिक पार्ट। यहां पर मैट्रिक्स थ्री बाय थ्री की हो सकती है, काम करने का तरीका यही रहेगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। दूसरा पार्ट कैसे आया था, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या आया था, ये प्लस जीरो माइनस वन बाई टू, वन बाई टू और जीरो। देखो साहब, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, मैं समझता हूं क्या हूं, यही आएगा। आदित्य, यहां पर तीन बातें समझ ली है, शॉर्ट फॉर्म में समझ लें। नंबर एक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बराबर उसी के बराबर आए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सर, इसकी सिमेट्रिक क्या होती है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें लेकिन माइनस कॉमन लेने के बराबर आए, इसकी सिमेट्रिक होती है। तीसरी बात, एक मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक में, तो क्या करते हैं, जिस मैट्रिक्स को ब्रेक करना है, जिस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है, उसका नाम दे दिया ए, ठीक है, तो ए करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर लेना, उनको ऐड कर लेना, उसका हाफ कर लेना, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। मैट्रिक्स ये है, सेपरेट कर देना, उसका हाफ कर देना, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने 2x2 की ली है, आप ये 3x3 की भी ले सकते हो भाई, 3x3 का ट्रांसपोज कर लेना, उनको ऐड कर लेना, उसका हाफ कर लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां से ये भी निकल के आ गई कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स की होंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दूसरे फॉर्मेट की हो तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और एक छोटी सी बात बता दूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। आप कोई मैट्रिक्स ले लो, हाँ जी, कहानी समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छा। यदि ये कहानी समझ में आ गई हो तो 3.3 एक्सरसाइज बिना समस्या के समझ में आ जानी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, यदि फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ पुटअप कर सकते हो, उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ जी गुरप्रीत जी, कोई समस्या, ठीक है सर, चलिए सर, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।